हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये सब जो चारा गाय के लिए, गाय भैंस जिसके पास है वही जाते हैं, और इनकी कटाई में वो पत्ती जो है घास वो काटते हैं। और ये जो है टेलर पलट गया था मेरा, यहीं से रास्ता जाता है और मेरे दरवाजे से भी दिखाई देता है दालान के फील्ड से। और ये सब जो हैं लेबर सब, लगभग 1 बज गया था वो उठाते उठाते। और ये कल का वीडियो है, तो 4 लेबर लगे थे, वैसे 3 भी लेबर में काम चल जाता है, क्योंकि पत्ती जो ले जाते हैं मतलब चारा, वो सब भी उसमें थोड़ा सा मदद करते हैं वो लेने के बदले। और यहाँ जो है सो ये सब इनकी सब का जो है भोजन हो रहा है, मैंने सभी को भोजन दिया है पत्ते पर, वो जो है अभी खा रहे हैं। और ये मेरा बेटा है बच्चे के पास, ये भी जाता है खेत पे, अभी स्कूल भी बंद है तो थोड़ा बहुत मदद कर लेता है, देखता है, क्योंकि वो खाने का चीज़ है तो बहुत सारे लोग जो है लेकर वैसे भी लेकर चले जाते हैं। और ये देखिए पलटा हुआ है, ये थोड़ा सा स्लिप ले लिए मेरा बेटा। और यहाँ जो है उसका कटाई हो रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप बना लेते हैं, क्योंकि हम तो खेत जाते नहीं और घर का ही रोज़ रोज़ वीडियो अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा हम जो है खेत का भी जो है काट रहा है सभी जो लेबर हैं, या जो घास जो होता है सारा उसकी जो कटाई करें वो सारे जो हैं वही सब ये जो है उनकी कटाई कर रहे हैं और साफ करते हैं। उसके बाद उसका जो है गट्टी तैयार करके फिर जो है टेलर से लाते हैं, बहुत ही ऊंचा तक लाते हैं। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। और अभी जो है सवा 11 बजे, 11 बजे तक मेरा सारा जो है काम हो गया है। और इतना ज़्यादा ठंड है, इतना ज़्यादा ठंड है, कल तो पूरे दिन जैसे सुबह में 6 बजे लगता है समय, वैसा ही पूरे दिन लगा रहा है एकदम सुबह जैसा। थोड़ा सा भी धूप नहीं हुआ और इतना ज़्यादा लगता है कोल्ड है वातावरण, जो लगता है जम जाएगा पूरा। और आज अभी जैसे धूप दिखाते हैं ऐसा धूप निकला है तो नहीं के बराबर ही, और बहुत ज़्यादा ठंड है, इतना ठंड है कि क्या बताऊं। और इसी में सारा काम भी जो है, जो भी है हाउस वाइफ सभी को करना पड़ता है, धीरे धीरे जिस तरह से भी हो सारा काम करना पड़ता है। मैंने आज तो सुबह में नहा ली हूँ, सुबह में मैं आज बहुत लेट उठी थी क्योंकि रात को मेरा नींद जो है पूरा नहीं हुआ था। मैं सोचा कि इतना ज़्यादा ठंड है मच्छर नहीं लगेंगे, इसलिए मच्छरदानी नहीं लगाई थी और आलस से सो गई। और रात को जो है पूरा अच्छा से नींद नहीं आया और सुबह में मैं लेट हो गई। जब भी रात को मुझे नींद पूरा नहीं अच्छा से नहीं आता तो सुबह में मैं लेट करके उठती हूँ। तो सोची कि आज तो बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है और मंगलवार का दिन है तो मैं नहा लेती हूँ। तो मैं सुबह में उठी थी 7 बजे और 8 बजे तक मैं नहा के तैयार हो गई थी। 8:30 बजे तक पूजा पाठ कर ली थी, साधारण में ही पूजा मैंने कर ली। और फिर उसके बाद मैंने खाना जो है बनाने के लिए आई थी, तो आज भी लेबर है तो मैं सोचा कि 12 बजे के बाद ही सभी खाते हैं तो लेबर, और अपना तो बनाएंगे गरम गरम खा लेंगे, बच्चे लोग भी लेट ही उठते हैं तो लेट ही खाते हैं। लेकिन कल जो था सो बहुत ही मुश्किल हो गया था, मेरा जो ईख है सो कल ही कट जाता, कल ही इस ये रसीद जो देते हैं ईख का, जो मिल मालिक होता है रसीद देते हैं सभी को, तो उस दिन जितना भी रसीद जिसको मिलता है उतना टेलर काटा जाता है, तो मेरा कल ही वो ख़त्म हो जाता काम। लेकिन कल हमारा जो लदा हुआ था पूरा, परसों जो मेरा जो ईख कटा था तो एक एक ईख को मतलब 2-3 खंड करते हैं, उसको पत्ती को साफ करते हैं, उसके बाद उसका डली जो पूरा उसको गठरी बनाते हैं उसका मतलब बोझ जो होता है, और उसको तैयार कर करके फिर लाते हैं जो टेलर पर, तो बहुत ज़्यादा ऊंचा वो बनाया जाता है उसमें, और चारों तरफ से उसमें जो है बांस का लकड़ी लगाकर और बहुत ऊंचा किया जाता है। उसके बाद जो खेत होते हैं उसके साइड से तो रास्ता बहुत ही कम होता है, क्योंकि गड्ढा आजकल पूरे जेसीबी से खोद दिया जाता है और सड़क बनाने के चक्कर में, तो वहां से जो है जो अच्छा होता है ड्राइवर वही वहां से मतलब खींच लेता है। लेकिन यहाँ जो है ड्राइवर उतना अच्छा नहीं था और उस रास्ते से ले आने में वो टेलर ही पलट दिया पूरा। और फिर कल होके सुबह में फिर से लेबर लगा के, वैसे 3 लेबर लगे थे,
काटने में, क्योंकि उसमें जो है घास जो गाय के लिए मवेशी के लिए ले जाते हैं वो सब भी काटने के लिए आते हैं, और घास के बदले काट कर और वो गट्ठर तैयार कर देते हैं, और लादने के लिए जो है हम रखते हैं लेबर, 3 लेबर रखते हैं तो वो लाद देते हैं। लेकिन वो जो था टेलर उलट गया था, तो उसमें जो था सो मुझे अलग से 4 लेबर लगाना पड़ा। उस दिन एक्स्ट्रा हमारा समय बर्बाद हुआ, और उसके बदले आज मुझे फिर से कटवाना पड़ रहा है, नहीं तो कल हमारा काम खत्म हो जाता। और 4 लेबर का जो है पैसे, ऊपर से खाना बनाना उसका भी सारा करना पड़ा, और आज का फिर कट रहा है। तो मैं खेत का जो है पूरा सीन नहीं बना पाती वीडियो, मेरा बेटा जाता है वो भी व्यस्त हो जाता है, भूल जाता है, और मैं सोचती हूँ कि बना ले। और कल बनाया भी था तो उसके मोबाइल का स्टोरेज है पूरा भर गया था, तो बनाया था वीडियो लेकिन बना ही नहीं, तो 1-2 सेकंड का बना भी था तो मैं वही डाल दूंगी। और उससे पहले काट रहा था जो लेबर, तो उसका भी थोड़ा बहुत बना है, तो मैं जरूर आप सबको दिखाऊंगी जो इंक हमारा कटा था। तो मैं हम सब खेत पर नहीं जाते, तो अभी बहुत ठंड हो रहा है तो कुछ वीडियो बनाने में भी मजा नहीं आता, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। अभी मैं सीढ़ी का जो है चौताल पे हूँ, और मैं ऊपर अभी आपको दिखाऊंगी। हल्का फुल्का धूप आया है लेकिन इतना ज्यादा ठंड हो गया है, मकर संक्रांति के बाद इतना ज्यादा ठंड हो गया कि रात को हमें बिस्तर में लगता है पानी पानी हो जाता है। और देखिए अभी जस्ट धूप आपसे बात करते करते हैं निकला है, और थोड़ा सा हल्का सा गर्मी भी धूप में लग रहा है, जैसे उतना ज्यादा ठंड था तो इतना तो धूप में गर्मी जरूर लगता ही है। और हमारा गाय का जो है खिचड़ी बन रहा है, जल्दी से हम चाहते हैं कि बन जाए खाना। हम बनाए थे चूल्हे पे हमने रोटी सेकी थी पूरा, मतलब बनाई थी, और उसके बाद जो है गाय का खिचड़ी चढ़ा दी हूँ। जल्दी होगा तो शाम को, नहीं तो ठंडा नहीं होगा जल्दी, क्योंकि एक बार में ही बड़ा सा जो है हमने टोपिया ली थी, तो एक बार में ही दोनों टाइम का हम चढ़ा देते हैं, तो कैसा भी है ठंड उससे भी बहुत ज़्यादा रहता है, जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। तो हम जो है डोल में बाल्टी होता है उसमें निकाल दूंगी आधा गाय के लिए, और कल का भी वीडियो आपको मैं कुछ दिखा दूंगी। और चलिए हम दिखाते हैं धूप आपको पिछले बैक कैमरा से। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है ऊपर से मैं दिखा रही हूँ, तो वो खिचड़ी बना रही है और आग भी सेक रही है, तो तब तक मैं जो है छत पे आई थी। और ये देखिए बैक कैमरे से मैंने आपको दिखाया है, धूप तो है लेकिन बहुत ही ठंड है, और हवा के साथ दिन के साथ हवा और भी तेज़ हो जाता है और ठंड भी। तो आप सबसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।